इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे आज के दोस्तों आखिरी T10 मैच के बारे में। दोस्तों आज का आखिरी T10 मैच ना साइप्रस और दोस्तों ध्यान रखना माल्टा टीम के बीच खेला जाएगा। रात के 12 बजे से ये मैच स्टार्ट होगा। ओके, सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों दोनों टीमों का अभी तक टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो साइप्रस की टीम दोस्तों अभी तक टूर्नामेंट में एक मैच खेली है जहां पे दोस्तों इन्होंने मैच लॉस किया था, और इसका बहुत ही क्लियर रीजन है, इनके पास ना दोस्तों एक तो प्रॉपर बैटिंग लाइनअप नहीं है। इनके पास अच्छे बैट्समैन है लेकिन दोस्तों फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, बहुत ही खराब फॉर्म से चल रहे हैं, और बॉलिंग भी दोस्तों सेम इनका यही है, एक दो अच्छे बॉलर है और अब जितने अदर प्लेयर है उतने इम्पॉर्टेंट ही नहीं है। और फर्स्ट मैच बहुत ही खराब उन्होंने बॉलिंग किया है, बैटिंग किया है, इसलिए इन्होंने फर्स्ट मैच लॉस किया रोमानिया टीम के अगेंस्ट। वहीं दोस्तों बात करें माल्टा का कैसा रहा है, तो दोस्तों इनका फर्स्ट मैच ना अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी चल रहा है, लाइव चल रहा है इंग्लैंड 11 के अगेंस्ट, जहाँ पे ये बैटिंग फर्स्ट की है और बैटिंग फर्स्ट करते हुए अच्छा स्कोर कर रहे हैं। इनके जो एक प्लेयर है जिनको हम लोग कैप्टन भी करेंगे इस मैच में, मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगा, जो अच्छे फॉर्म में चल रहा है। अब चलिए दोस्तों हम लोग सबसे पहले फोकस करते हैं इस मैच के रिगार्डिंग कम्बिनेशन पे, स्मॉल लीग में किसको हम लोग रखेंगे, ग्रैंड लीग में किस पे रिक्स लेंगे। हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों अभी जो भी मैं टीम दे रहा हूँ ना वो मेरा फाइनल टीम है डेफिनेटली, लेकिन यदि उस टीम में से बाई चांस कोई प्लेयर नहीं खेलता है तो फिर मैं फाइनल कम्बिनेशन अपडेट करके टेलीग्राम पर आपको दे दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ दोस्तों कमेंट सेक्शन में भी फर्स्ट कमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा, जाइए दोस्तों टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए। और साथ ही साथ दोस्तों यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट कोशिश कीजिएगा नोटिफिकेशन का घंटी बजा दे, जिससे दोस्तों आने वाले वीडियो का आपको ईजिली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक ना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो ध्यान रखना दोस्तों कल का जो वर्ल्ड कप का फर्स्ट मैच है उसका रहने वाला है, तो मिस नहीं कीजिएगा। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन मिल रहा है एन पठीराना, जो लास्ट मैच में दोस्तों देखो 32 फैंटेसी पॉइंट दिए जरूर है लेकिन 4 कैच लिए थे, इसलिए इनको 32 फैंटेसी पॉइंट मिल गया। बैटिंग से प्लीज उम्मीद मत रखना, क्योंकि बैटिंग दोस्तों ये करने ही नहीं आते, इसलिए मैंने बोला। नीचे आई मोहम्मद आपको दोस्तों 5 नंबर पे बैटिंग करने आएंगे, 5 नंबर भी दोस्तों काफ़ी नीचे होता है, बैटिंग इन्होंने लास्ट मैच में किया था बट बहुत ज़्यादा चांस मिला नहीं था, 3 बॉल में 8 रन स्कोर किए थे जिसमें 2 4 इन्होंने स्कोर किया था। फिर नीचे दोस्तों आपको पी दुएल का ऑप्शन मिलेगा, इनका भी दोस्तों सेम ही रहा था, लास्ट मैच में 6 नंबर पे बैटिंग करने आए थे और ये तो विकेट कीपिंग भी नहीं किए थे, तो और भी रिक्सी ऑप्शन हो जाते हैं इनको टीम में रखना। अब नीचे से दोस्तों जो सेफ ऑप्शन बन रहे हैं वो दोस्तों बन रहे डी पटनाकर, यदि खेलते हैं तो, क्योंकि इसलिए अभी दोस्तों जो माल्टा का फर्स्ट मैच चल रहा है ना इसमें दोस्तों पटनाकर प्लेइंग 11 में थे नहीं, बट यदि खेले और खेलने का चांस मुझे लग रहा है तो आप इनको टीम में डायरेक्ट पिक कर लेना, यदि ये ना खेलेंगे तो नीचे से सुदर्शन राय को टीम में रख सकते हो, क्योंकि देखो दोस्तों ये प्लेयर अच्छा है, प्रॉब्लम ये रहेगा कि इनका बैटिंग पोजिशन क्या मिलता है। जो अभी फर्स्ट मैच चल रहा है माल्टा का उसमें ये 4 नंबर पे बैटिंग पोजीशन में दिख रहे हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों, ठीक ना, डी पटनाकर खेलता है सेफ ऑप्शन, अदरवाइज सी सुदर्शन को आप टीम में रख सकते हो। अब बात करें बैटिंग सेक्शन, तो दोस्तों आपको ए अश्विन का ऑप्शन मिलेगा, जो फर्स्ट मैच टोटली फ्लॉप रहे, बैटिंग से तो फ्लॉप रहे ही, साथ ही साथ बॉलिंग दोस्तों करते नहीं है तो मैं नहीं रखूँगा। नीचे आर मजुमदार, यदि दोस्तों खेलते हैं तो मस्ट इम्पॉर्टेंट पिक है, क्योंकि दोस्तों आज का जो साइप्रस का फर्स्ट मैच था वहाँ पे इनका नाम प्लेइंग 11 में था नहीं और खेले भी नहीं, लेकिन मुझे लगता है यार साइप्रस को विन करना है तो आर मजुमदार को खेलना चाहिए, तो यदि खेलता है तो ये प्लेयर पे ध्यान रखना, ठीक ना, क्योंकि खेलेगा तो टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने आएगा, ना खेले तो इग्नोर करके चलेंगे। नीचे दोस्तों आपको जेट खान का ऑप्शन मिलेगा, ओपन बैटिंग करने आएगा, अच्छा प्लेयर है दोस्तों, बहुत ज़्यादा आप इनसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखना कि बड़ा स्कोर करके देगा, लेकिन रेगुलर दोस्तों आपको आराम से 20 रन 30 रन स्कोर कर जाता है और ओपन करता है, ये भी एक एडवांटेज है इनके साथ। फिर नीचे का दोस्तों तो आपको जेसिंग का ऑप्शन मिलेगा, कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है दोस्तों, सिलेक्शन लेवल बहुत हाई जा रहा है, लेकिन ध्यान रखना बैटिंग ना आपको बहुत नीचे करनी आते हैं, तो इसी वजह से मैंने अभी इनको टीम में नहीं पिक किया। मैं नीचे से दोस्तों एडी सिल्वा को पिक कर रहा हूँ, ये भी दोस्तों फर्स्ट मैच नहीं खेले थे, लेकिन उम्मीद करता हूँ, देखो दोस्तों साइप्रस की टीम इस मैच में प्लेइंग 11 चेंज कर सकती है और अपने जो भी इनके इंपॉर्टेंट प्लेयर है उनको इनको चांस देना चाहिए, तभी विन कर सकती है, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि एडी सिल्वा खेल सकते हैं, क्योंकि तगड़ा हार्ड हिटर बैट्समैन है और दोस्तों बड़ा स्कोर के लिए ये जाना जाता है, तो यदि ये खेलता है तो आप रख लेना, यदि ये ना खेले तो डायरेक्ट ऊपर से क्या करना, जेट खान को टीम में पिक कर लेना।
बी जॉर्ज मस्ट इंपॉर्टेंट पिक दोस्तों, जिसको आप कैप्टन करके जा सकते हो। मैंने आपको बताया था ना माल्टा का एक मैं प्लेयर आगे आपको वीडियो में बताऊंगा जिनको आप कैप्टन कर सकते हो, बी जॉर्ज है। ओपन बैटिंग साथ ही साथ दो ओवर बॉलिंग करके देगा। नीचे दोस्तों आपको जी ठाकुर का ऑप्शन मिलेगा, ये आपको फर्स्ट राउंड बैटिंग करने आएगा। जी ठाकुर हिट एंड मिस टाइप का प्लेयर है, ठीक ना, तो ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो, सिलेक्शन बहुत ही कम है, ग्रैंड लीग में मेनली फोकस करना। और यदि नीचे से एस स्टेंजाई खेलता है तो ध्यान रखना जी ठाकुर को, फिर तब आप ड्रॉप कर देना और इसको पिक कर लेना, क्योंकि जी ठाकुर से लाख गुना बेटर प्लेयर है दोस्तों स्टेंजाई। यह प्लेयर खेला नहीं है आज का फर्स्ट मैच, इसलिए लोग इनको अभी ले नहीं रहे हैं। अब बात करें दोस्तों हम लोग ऑलराउंडर सेक्शन, तो आपको टी सिंह का ऑप्शन मिलेगा, जरूर रख लेना। आपको दो नंबर पे बैटिंग साथ ही साथ दो ओवर का बॉलिंग, बहुत अच्छा प्लेयर है दोस्तों, आपको टीम से ड्रॉप नहीं करना। एम गुलशेखरा दोस्तों लास्ट मैच में ओपन बैटिंग भी किए थे, दो ओवर बॉलिंग भी किए थे, बैटिंग से मुझे खास दिखे नहीं है, लेकिन आप टीम में रख के जाओ। नीचे दोस्तों आपको साधुन का ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों देखो ये जो प्लेयर है ना बहुत अच्छा प्लेयर है, बट लास्ट मैच में हुआ क्या दोस्तों, साइप्रस की टीम इनको एक सिंगल ओवर भी बॉलिंग नहीं दी और बैटिंग भी तीन नंबर पे करने आया, लेकिन खिलाड़ी बहुत अच्छा है। मैं इनको टीम से अभी ड्रॉप नहीं करूँगा, आप लोग से भी बोलूँगा कि रख लो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस मैच में इनको बॉलिंग से चांस मिल सकता है। स्पीड इनके पास बहुत अच्छा है और लाइन लेंथ भी बहुत अच्छा रहता है, उम्मीद करते हैं कि बॉलिंग से बस इनको चांस मिले। एस अहमद दोस्तों लास्ट मैच में एक ओवर बॉलिंग किए थे और ओपन बैटिंग करने आए थे, बॉलिंग से बहुत ज़्यादा इनका धुनाई हुआ था, करीब दोस्तों एक ही ओवर में इन्होंने 20 रन से ऊपर ठोका गए थे, तो इसलिए इन्होंने बॉलिंग में आपको लास्ट मैच में माइनस में पॉइंट दिए, और ओपन बैटिंग भी करने आए थे तो कुछ बड़ा स्कोर कर नहीं पाए थे। अभी सिलेक्शन कम है, मैं नहीं रख रहा हूँ, यदि फिर से इनका नाम ओपन में रहता है तो आप पिक कर सकते हो, अदरवाइज ड्रॉप कर देना। एफ मोंगल एक मस्ट इम्पॉर्टेंट पिक है, इनको आपको ड्रॉप करने के लिए मैं नहीं बोलूँगा, दो ओवर प्रॉपर बॉलिंग साथ ही साथ तीन नंबर पे आके बैटिंग करके देंगे। बी प्रसाद दोस्तों आपको मेनली तीन से चार नंबर पे बैटिंग करने आएंगे, लेकिन रिसेंट मैचों में बी प्रसाद का जो परफॉर्मेंस रहा है, बैटिंग हो या दोस्तों बॉलिंग हो, दोनों से उतना अच्छा नहीं रहा है। आप रखना चाहते हो, सिलेक्शन हाई है, बिल्कुल भी दोस्तों आप फ्री हो, आप टीम में ट्राई कर सकते हो। आई अमीर को दोस्तों जीएल में आप लेके जाना, ठीक ना, क्योंकि एक तो ये बैटिंग दोस्तों बहुत ही नीचे करते हैं, तो बैटिंग से आप उम्मीद कम रखना, और बॉलिंग भी रेगुलर इनको मिलता नहीं है। कैप्टन इनका यदि फर्स्ट ओवर बहुत ख़राब जाता है तो सेकेंड ओवर कैप्टन इसको देता नहीं है। नीचे आपको जसविंदर सिंह का ऑप्शन मिलेगा, आपको एक ओवर मैक्सिमम बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं, दो ओवर दोस्तों इनको रेगुलर मैच में नहीं मिलता है। अब बात करें बॉलिंग सेक्शन, डब्ल्यू वाली मस्ट इंपॉर्टेंट पिक, लास्ट मैच में दो ओवर और आपको दो विकेट प्रोवाइड भी किए थे, और इस मैच में भी मेरे को जहां तक लग रहा है डब्ल्यू वाली विकेट ले सकते हैं, और स्पेशली किन का, तो दोस्तों इधर से जेड खान का, इसका विकेट ले सकता है डब्ल्यू वाली, तो आप इसलिए मैं इनको बैक करके चल रहा हूँ। टी सिंह लास्ट मैच में दोस्तों डेथ में बॉलिंग किए थे, इसलिए मैं इनको बैक कर रहा हूँ, और अच्छा बॉलिंग किए थे, आपको बॉलिंग से देखो तो इन्होंने विकेट भी लिया था और बैटिंग से भी आके स्कोर कर गए थे। फिर नीचे दोस्तों आपको एस सिंह का ऑप्शन मिलेगा, लास्ट मैच में एक ओवर बॉलिंग किए थे, एक विकेट प्रोवाइड किए थे और डेथ में बॉलिंग करने आए थे ओवर नंबर लास्ट। इसका रीजन भी मैं बताता हूँ, देखो इनको बॉलिंग नहीं मिलता, लेकिन हुआ क्या कि एस अहमद ना फर्स्ट ओवर बहुत ज़्यादा ठोका गया, इसलिए सेकेंड ओवर इसको ना देके एस सिंह को दिया गया। तो आपको रखना हो तो फर्स्ट प्रिफ्रेंस एच अहमद को देना, सेकेंड प्रिफ्रेंस में आप एस सिंह को रखिएगा, ठीक ना। फिर नीचेगा दोस्तों बी अरोड़ा का ऑप्शन मिलेगा, बैटिंग तो बहुत अच्छा करता है लेकिन रिसेंट मैचों में बॉलिंग से खराब परफॉर्मेंस रहा है, और मैं 100% श्योर हूँ दोस्तों बैटिंग में इनको टॉप ऑर्डर में चांस नहीं मिलेगा, तो अभी तो मैं इनको टीम में नहीं बैक कर रहा हूँ, ठीक ना। एलसिंग खेलेगा तो एक तगड़ा दोस्तों बॉलर है, लेके जाना, ठीक ना, ना खेले तो ड्रॉप कर देना, क्योंकि आज का जो फर्स्ट मैच साइप्रस का हुआ है उसमें तो नहीं खेल रहे थे। मैं लास्ट ऑप्शन नीचे से दोस्तों डब्लू अब्बास को रखा हूँ, यदि डब्लू अब्बास दोस्तों आपको रखना चाहते हो, सिलेक्शन कम है आप रख सकते हो, बट यदि आपको सेफ जाना हो डायरेक्ट इनके जगह ऊपर से बी अरोड़ा को बैक कर सकते हो। अब बात करें इस मैच के रिगार्डिंग कैप्टन बीसी ऑप्शन, देखो दोस्तों कैप्टन तो मैं बी जॉर्ज के साथ जाऊंगा, वाइस कैप्टन के लिए आप क्या कर सकते हो, टी सिंह को भी ट्राई कर सकते हो, एम गुलशेखरा को भी ट्राई कर सकते हो, दोनों ही बढ़िया ऑप्शन है। प्रॉब्लम क्या है कि एम गुलशेखरा लास्ट मैच में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है, इसी वजह से मैं अभी के लिए थोड़ा सा सेफ जाते हुए टी सिंह को ही वाइस कैप्टन रखा हूँ, लेकिन ध्यान रखना आप रिक्स लेना हो तो आप गुलशेखरा पे भी ले सकते हो। अभी के लिए दोस्तों आप लोग इस टीम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉन्टे श्वाइन करके रखिए, टॉस के बाद यदि दोस्तों इस टीम में कोई भी चेंजेस करना होगा, जैसे चेंज नंबर वन में दोस्तों एस अहमद का एक मैं चेंज कर सकता हूं इनका दोस्तों बैटिंग पोजीशन को देख के, ठीक ना, और सेकेंड चेंज दोस्तों डी सिल्वा यदि नहीं खेले तो
आप ये एक्सचेंज कर सकते हो। और ये दोनों के जगह किसको रखना है मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में बता दिया, एक तो आप बी अरोड़ा को रख सकते हो और इनके जगह जेड खान को आप टीम में रख सकते हो। और इसके अलावा भी और कोई अपडेट करना होगा तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल को दोस्तों ज्वाइन कर लीजिएगा, टोटल अपडेट मैं यहाँ पर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ दोस्तों कॉमेंट सेक्शन में भी फर्स्ट कमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा, जाइए दोस्तों टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए। और साथ ही साथ दोस्तों यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट कोशिश कीजिएगा नोटिफिकेशन का घंटी बजा दें, जिससे दोस्तों आने वाले वीडियो का आपको ईजिली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक ना दोस्तों। तो फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट T10 के वीडियो में, जय हिंद दोस्तों, टेक केयर एंड गुड नाइट।